नमस्कार दोस्तों, रीएचपीएसएन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग ई गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे। यद्यप अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सरकार विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों को जनता तक द्रुत गति से पारदर्शी ढंग से एकरूपता के साथ जो पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्ध है, ऐसी स्थिति में ई गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आता है। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित सवाल लगातार जो है पूछे जाते रहे हैं। और ये ई गवर्नेंस का टॉपिक इसलिए भी सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वर्तमान समय में और हाल फिलहाल में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पर आयोजित किया गया था। तो इसी पृष्ठभूमि में आज के इस लेक्चर में हम लोग ई गवर्नेंस पर जो है चर्चा करने वाले हैं कि ई गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ई गवर्नेंस किस तरीके से अनुप्रयोग में आता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या प्रकार हैं और क्या भविष्य में इसकी जो है संभावनाएं हैं, सरकार इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं और सूचनाओं को जनता तक जो है उसकी डिलीवरी और सुपुर्दगी जो है सुनिश्चित करने के लिए क्यों प्रयासरत है। तो अभी हाल में ही जो है ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। तो ये 24वें जो है नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये कहां पर किया गया है, हैदराबाद में ये आयोजित किया गया। किसके माध्यम से आयोजित किया गया है, तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, एक ये हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये दोनों विभाग मिलकर के तेलंगाना सरकार की जो है माध्यम से, यानी कि 1+1+1 एक दो विभाग हो गए और एक जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि वहीं पर आयोजित किया गया था इसलिए उस राज्य का सहयोग माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने तेलंगाना सरकार के जो सहयोग से हैदराबाद में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। किस पर, ई गवर्नेंस पर। यह जो है एक समसामयिक तथ्य है और इससे भी सवाल प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी के पृष्ठभूमि में हम इसकी अवधारणा को जो समझने का प्रयास करेंगे जो कि अर्थ के रूप में व्यक्त होता है। अब इसके अर्थ को समझने के लिए हमें तीन शब्दों को जो है जी गवर्नमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया और इसी से जो है मिला हुआ है गुड गवर्नेंस। और अगला आता है जो है ई गवर्नेंस। ये चार अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट मतलब सरकार होता है और बेसिकली इसके तीन पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका एक अलग व्यवस्था है भारतीय संविधान के माध्यम से, उसको एक पृथक स्वरूप प्रदान किया गया है ताकि वह बिना किसी जो है दबाव के लोगों के पक्ष में जो है न्याय कर सके, बिना किसी जो है दबाव के, बिना किसी जो है पूर्वाग्रह के न्याय के मानदंडों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित लोगों को जो है न्याय पहुंचा सके। दूसरा व्यवस्थापिका है जो कि कानून बनाता है और तीसरा कार्यपालिका है जिसके माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाता है। गवर्नेंस मतलब शासन, यहां सरकार होता है, ये शासन हो जाता है। शासन का मतलब हुआ कि कोई भी जब चुनाव के माध्यम से जो है सरकार बनती है तो वो कुछ घोषणा पत्रों के माध्यम से जो है बनी होती है, कुछ जनता की मांग होती है। इन घोषणा पत्र और जनता की मांग से संबंधित विभिन्न विषयों पर नीतियां बनाई जाती, पॉलिसी मेकिंग होता है जो कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उस पॉलिसी का क्रियान्वयन करना, विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना यानी कि सर्विस डिलीवरी और कल्याणकारी कार्यक्रमों का जो आयोजन, ये सारे कार्य जो है किए जाते हैं। इन सभी विषयों पर सरकार की जो नीतियां होती हैं और इन्हें जो है जनता तक जो पहुंचाने की गतिविधि होती है उसे अगर एक समुच्चय में कहा जाए तो वो गवर्नेंस कहलाता है। अगली चीज होती गुड गवर्नेंस, जब सरकार जनता के कल्याण को ध्यान में रख करके विभिन्न विषयों पर जो है नीतियों का निर्माण करता है, कानून को जो बनाता है उसका क्रियान्वयन करता है, जनता के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए जाते हैं,
तब वो जो है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की श्रेणी में आता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नागरिक और जनता के कल्याण केंद्रित जो है शासन व्यवस्था गुड गवर्नेंस के अंतर्गत आती है, और अगली कड़ी जो होती है ई गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस जिन विषयों पर किया जा रहा है उसे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से, यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी सूचना, नीतियों और सेवाओं को जनता तक द्रुत गति से एक रूपता के साथ पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है ई शासन उसको कहा जाता है। तो हम लोगों ने अर्थ को समझ लिया, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए जो है उपकरणों के द्वारा, शासन के द्वारा जिन विषयों पर काम किए जा रहे हैं उसे जनता तक आसानी से, सुविधाजनक ढंग से, द्रुत गति से जब पहुंचाया जाता है तो वह गवर्नेंस वहां पर ई गवर्नेंस कहलाता है। तो यह इसका अर्थ हो गया प्रकार। अभी यह ई गवर्नेंस जो है वो कई तरीके से जो है अभिव्यक्त होता है। G2B, G2C, G2G, G2E, बी फॉर बिजनेस हो गया, सिटीजन हो गया, गवर्नेंस हो गया और इंप्लॉय हो गया, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और व्यापार के बीच में भी जो है इस ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता है और बीच के विभिन्न प्रकार की बाधाओं को, दुविधाओं को, जटिलताओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो वह इस रूप में व्यक्त होता है, सिटीजन यानी कि नागरिकों के बीच में भी जो है सीधा संबंध होता है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भी आगे के जो है अभी सेक्शन में इसको जो है स्पष्ट किया जाएगा। और दूसरा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब जैसे सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से भी जो संपर्क स्थापित कर सकती है, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की व्यवस्था। और अगला है इंप्लॉय, जो कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के विषयों पर अगर हम लोग देखें तो हर जनपद में एक NIC का केंद्र होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अभी इस पे हम तो लोग आगे चर्चा करेंगे। तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VC का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि टू वे सिस्टम है, किसी विषय पर जो है विचार को व्यक्त करना एक ही समय पर जो है मुख्यालय से कर्मचारियों के बीच में विभिन्न जिलों में बैठे हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है और उसी टाइम पर उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि जो मीटिंग है वो एक स्थान पर हो रही है। तो इस तरीके से ई मीटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि प्रत्येक जिले में जो है इंटरनेट से जुड़े हुए जो है कंप्यूटर या डिस्प्ले सिस्टम पर अभिव्यक्त किया जाता है और शासन की अलग अलग जो नीतियां होती हैं इस पे नीचे स्तर तक क्रियान्वित करने के लिए प्रेषित की जाती हैं। तो ये हो जाता है, इस रूप में व्यक्त होता है, मतलब ई गवर्नेंस इन इन माध्यमों से जो है व्यक्त होता है। तो ये कहलाता है ई गवर्नेंस की व्यवस्था। अब इसमें प्रकार के बाद इसका उद्देश्य अगर देख लिया जाए, ई गवर्नेंस का उद्देश्य मूल रूप में देखा जाए तो सरकार और नागरिकों के बीच में विभिन्न प्रकार के बाधाओं को समाप्त करना, जटिलताओं को समाप्त करना, सूचना, शासन, सेवा, कल्याणकारी कार्यक्रमों को एक रूपता के साथ पहुंचाना, जो भी उसमें देरी हो रही है उसको समाप्त करना, यानी कि द्रुत गति से उन तक जो है पहुंचाना, जटिलताओं को समाप्त करना, समयबद्ध रूप में जो है उन तक उन कल्याणकारी सूचना, योजना, सेवा इत्यादि को जो है पहुंचाना, इसका जो है उद्देश्य है। अब किसी भी विषय पर अगर हम मेल कहीं पर भेजते हैं तो वह रियल टाइम में जो है वहां पर सूचना पहुंच जाती है, लेकिन अगर हम परंपरागत से चिट्ठी के माध्यम से अगर उस बात को प्रेषित करते हैं तो 3 दिन या 4 दिन भी लग सकता है, या दूरी के अनुसार, मौसम के अनुसार, वहां की भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुसार 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने तक भी लग सकता है। अगर आज की डेट में हम यहां से कोई स्पीड पोस्ट या कोई रजिस्ट्री डाक पूर्वोत्तर में भेजते हैं अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या मेघालय में तो वो महीनों लग जाते हैं वहां पर पहुंचने में, लेकिन अगर हम मेल के माध्यम से भेजते हैं तो वह रियल टाइम में उसी समय वहां पर पहुंच जाती है। तो ये व्यवस्था होती है समय को कम करके गुणवत्तापूर्ण ढंग से उस बात को वहां तक पहुंचाया जाता है। तो यह
एकदम इसका उद्देश्य जो है अपने आप में जो है स्पष्ट हो जाता है कि ई गवर्नेंस के जो है क्या उद्देश्य हैं। अगर हम अनुप्रयोग पर चर्चा करें, अनुप्रयोग व्यवहारिक स्तर पर वर्तमान समय में कई जगहों पर देखी जा रही है। अगर हम भूलेख व्यवस्था, आज की डेट में खसरा और खतौनी, एक हम व्यवहारिक स्तर पर इस चीज को देखेंगे और चर्चा करेंगे कि अगर खसरा और खतौनी आज की डेट में जो है आप जो है जनसेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं अगर आप जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस के माध्यम से सक्षम हैं, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो स्वयं आप जो है अपने खसरा और खतौनी की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए बाकायदा जो है भूलेख पोर्टल बनाए गए हैं, आप वहां पर जाकर के अपने जमीन के जो है खाता नंबर, यानी कि जिसको नंबर बोला जाता है, घाटा संख्या बोला जाता है, उस खाता संख्या के माध्यम से उसकी स्थिति देख सकते हैं। यानी कि जितने भी भूमि से संबंधित जो है रिकॉर्ड थे उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है और ये भूमि से जो है संबंधित है। इसी तरीके से जो है जनसेवा केंद्र बनाए गए हैं। अब जनसेवा केंद्र जो है अभी आपके तहसील के माध्यम से जनता तक जो भी सूचनाएं या जो भी जो है गतिविधियां होती हैं या जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो सभी जनसेवा केंद्र के माध्यम से निकटवर्ती स्थान पर प्राप्त हो रहे हैं, वो भी एक निश्चित समय के अंदर। तो अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यक्ति की जटिलताएं और तहसीलों में जाने की जो बाध्यता, समय संसाधन को खर्च करने की जो समस्याएं होती हैं, उससे कहीं ना कहीं निजात मिला है, निराकरण हुआ है। तो एक जनसेवा केंद्र भी जो है एक ई गवर्नेंस का एक माध्यम जो है बनकर के जो है सामने आया है। एक और व्यवस्था है आपके लिए बैंकिंग क्षेत्र में, चूंकि ये सभी क्षेत्र बहुत ही जटिल होते थे, उसके लिए सरकार ने एक UPI की व्यवस्था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की व्यवस्था बनाया हुआ है, जिसमें बैंकों से अगर आपके खाते हैं तो आप अपने मोबाइल पे, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो है UPI ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भुगतानों को सुनिश्चित कर सकते हैं UPI के माध्यम से, जिसके लिए NPCI काम कर रहा है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस व्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा है। UPI और बहुत ही विश्वसनीय माध्यम है, और अगर इसमें जो है आप मोबाइल नंबर में वही सिम लगाए हैं जो कि बैंक के अकाउंट नंबर पे आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो डेफिनेटली इस माध्यम से जो है आप पेमेंट को सुनिश्चित कर पाएंगे और बिना किसी झंझट के बैंक में गए आप अपने ही स्तर पर जो है ये व्यवस्था जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अब भूमि से संबंधित रिकॉर्ड हो गया, तहसील से संबंधित काम हो गया, बैंक से संबंधित काम हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है आपके ई मोड में आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गई हैं। अगर इंटरनेट से संबंधित जुड़ा हुआ आपके पास डिवाइस है तो ये सारे काम अपने घर पर बैठ करके आप संपन्न कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ई प्रशासन या ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो आता है, और धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसी माध्यम से या विभिन्न प्रकार की सेवाओं को ई मोड में ला करके जो है पूरा किया जा सकता है। तो ये जो है इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत जो है आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ई गवर्नेंस से संबंधित चीज़ों को जो है समझने में आपको इन सभी विश्लेषण के माध्यम से जो है आसानी होगी। एक और चीज, किस तरीके से जो है ई गवर्नेंस में विकास हुआ है, सरकार के द्वारा क्या क्या काम जो है किए गए हैं, अगर इसमें हम तीन पॉइंट्स को देखें कि एनआईसी की व्यवस्था, दूसरा निकनेट है, और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग, ये तीन जो है पहल और प्रयास सरकार के द्वारा जो है किए गए हैं। इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी, और एनआईसी जो है 1977 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया, और ये 1987 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई, जिससे जो है सूचना एवं संचार की दिशा में जो है
यह एक नोडल विभाग के रूप में जो काम करना जो प्रारंभ किया और इससे जो ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ने में जो मदद मिली। इसी तरीके से एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसके जो माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर के द्वारा देश के विभिन्न जिलों को जोड़ दिया गया, देश के विभिन्न जिलों को जो है जोड़ दिया गया। अगर इस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट हैं तो इन्हें जो है इस तरीके से जोड़ दिया गया। और ये एक सेंटर से तो जुड़े ही हैं, बाकी ये आपस में भी जो है जुड़ गए हैं। तो इस माध्यम से जो है वहां पर सूचनाओं के त्वरित गति से जो है पहुंचने की संभावना को व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है कि एक समय पर बैठ करके कोई भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जैसी हमने बात कही इसके पहले वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो रेगुलर इस तरीके के जो है कार्यक्रम, इस तरीके के कोई जो मीटिंग, विभिन्न विषयों पर जो है निर्देश अनुदेश मुख्यालय से जो है जनपद के जो अधिकारियों को दिया जा रहा है और व्यवहार में इस बात की जो सूचना मिलती है कि आज एनआईसी में वीसी है। दिस मीन कि वही एनआईसी यानी कि इसी पैटर्न पर जो है वो काम करता है और यह ई गवर्नेंस के लिए जो है एक व्यवहारिक स्तर पर जो क्रियान्वयन है और एनआईसी के रूप में 1977 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ जो किया गया। दूसरा जो उपग्रह आधारित इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक नेटवर्क 1987 ईस्वी में निकनेट के रूप में जो प्रारंभ किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 1977 ईस्वी में निकनेट जो प्रारंभ किया गया। तो ये सारी जो चीजें की गई वो ई गवर्नेंस की दिशा में जो है कहीं ना कहीं जो है प्रयास था और इसके माध्यम से ई गवर्नेंस की भावना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में जो मदद मिलता है। तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से जो है की गई। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट, चूंकि ई की हम बात कर रहे हैं तो ई डेमोक्रेसी, मतलब ई लोकतंत्र। अब यहां ई लोकतंत्र से पहले हम लोकतंत्र को समझना यह है कि एक ऐसे शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित होती हैं, वो है सरकार को बनाने और शासन को संचालित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और उसके माध्यम से शासन का संचालन करती है, वो शासन प्रणाली कहलाती है लोकतंत्र। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि शासन की समस्त शक्तियां, सरकार की समस्त शक्तियां जनता में निहित होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और उसके माध्यम से शासन का संचालन करती है। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, कहने का मतलब है एक ऐसी शासन प्रणाली और व्यवस्था जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से या इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइस के माध्यम से लोगों की भागीदारी को प्रशासन में सुनिश्चित किया जाता है, उनसे उनका फीडबैक लिया जाता है और उसके अनुसार शासन का संचालन किया जाता है, तो वो व्यवस्था कहलाती है ई लोकतंत्र की व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत जो है ई जनमत, यदि सरकार किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए जनता के मत को जानना चाहती है तो किसी पोर्टल पर जो सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है उस पर जनता के मत को अगर प्राप्त करती है तो वो व्यवस्था ई जनमत कहलाती है। इससे जनता के उस विषय पर मत को जानना आसान होता है और उसके अनुसार शासन का संचालन करना और कानून को बनाना, नीतियों को बनाना आसान होता है। तो चूंकि जब किसी विषय पर जनमत एकत्रित किया जा रहा है, जनता के मत को लिया जा रहा है और उसके अनुसार नीतियों को बनाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस माध्यम से जो है जनता कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन में जो है भागीदार हो रही है, तो ये व्यवस्था ई जनमत कहलाती है। एक वर्तमान समय में एक व्यवस्था जो कि व्यवहारिक स्तर पर काफी कुछ जो है क्रियान्वित की जा रही है, IGRS, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडरेस सिस्टम, एकीकृत समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, एकीकृत समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली इसको जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है ऑनलाइन व्यक्ति अपनी बातों को कहता है, अपनी शिकायतों को रखता है और वो शिकायत जो है बाइफरकेट होकर के उस डिपार्टमेंट को चली जाती है जिससे उसका निवारण उस विभाग के अधिकारी के द्वारा किया जाता है और बकायदा वो निवारित होने के बाद उस व्यक्ति को जो है सूचना के रूप में भी प्राप्त होता है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था होती है
कि अगर कोई जिला है उस जिले में इस तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं और वहां जनपद में जो है डीएम जिला अधिकारी होते हैं, कोई व्यक्ति कहीं से भी कोई शिकायत करता है वो यहां पर जाती है और इसके बाद वो उस विभाग को सीधे जो है प्रेषित कर दी जाती है। एक निश्चित समय के अंतर्गत उस सूचना वहां से जो है उस समस्या का निवारण किया जाता है और पुनः इसके माध्यम से वो उस व्यक्ति तक जो है पहुंचाती है। तो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिडरेस सिस्टम, एकीकृत समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली जो है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ई गवर्नेंस का जो है एक हिस्सा है, उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाने वाली एक जो है व्यवस्था है। तो ई जनमत, आईजीआरएस, ये सारी चीजें जो है ई लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिससे जनता के हाथ में जो है या जनता के हाथ को मजबूत बनाया जाता है, उन्हें उसके अनुसार जो भी सेवाएं लेनी होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसका निस्तारण इसके माध्यम से किया जाने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है ई गवर्नेंस पर आधारित 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन के जो है समसामयिक तथ्यों का जो है विश्लेषण किया, उसके बाद जो है ई गवर्नेंस के अर्थ को समझा, उसके प्रकार को समझा, उसके महत्व को समझा, उद्देश्य को समझा, उसके अनुप्रयोग को समझा और बाद में किस तरीके से उस पर पहल किए गए हैं संस्थागत स्तर पर, विभागीय स्तर पर। तो उसके रूप में हम लोगों ने NIC इलेक्ट्रॉनिक विभाग और निकनेट को जो है समझने का प्रयास किया। बाद में हम लोगों ने ई डेमोक्रेसी यानी कि ई लोकतंत्र को भी समझा, जिसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने ई जनमत और IGRS को समझने का प्रयास किया और इसके माध्यम से ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इसकी संभावनाएं फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बढ़ेंगी, क्योंकि जनता के पास विभिन्न प्रकार के मुद्दों में जो इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से समय कम है, सरकार डिजिटली विभिन्न एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ई गवर्नेंस आने वाले समय में निश्चित तौर पर बढ़ेगा और उसका बढ़ना लगभग तय है। तो आज के लेक्चर में ई गवर्नेंस पर हम लोगों ने विभिन्न पक्षों, विभिन्न आयामों के माध्यम से टॉपिक को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिए। अगले लेक्चर में पुनः इसी तरीके से कुछ नई बातों को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।